हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 का ही प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में आने वाले हैं या उनने अभी पास आउट कर ली है, जो विद्यार्थी कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में आने वाले हैं, वो विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ जुड़कर एनसीईआरटी पैटर्न की गणित पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि स्टूडेंट, जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो मैथ सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं। जो हमारा मैथ सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट वीक होते हैं। यदि आप इस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको सुबह शाम मैथ सब्जेक्ट का एक एक वीडियो अपलोड कराएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो भी कक्षा 8वीं के स्टूडेंट हैं वो जो आपसे आगे क्लास में पहुंच चुके हैं, यानी कि जो इस साल कक्षा 9वीं में थे वो 10वीं में पहुंच चुके हैं, तो आप उनकी पुस्तक को मंगाकर विधिवत तरीके से मैथ सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 3 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ पर दूसरे कोष्टक में दिए गए हैं 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी दो कोष्टक दिए हों और बीच में कोई चिन्ह ना हो तो यहाँ पर क्या माना जाता है, इंटू या गुणा माना जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस संख्या को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे 3 को, और प्लस अंडर रूट 3 को भी इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, जो पहले ब्रैकेट की पहली संख्या है उसको दूसरे ब्रैकेट के साथ यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, 2 प्लस अंडर रूट 2। इसके बाद पहले ब्रैकेट जो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या को चिन्ह सहित, यहाँ पर पहले ब्रैकेट में दूसरी संख्या क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, इसको भी आपको दूसरे ब्रैकेट के साथ लिखना है, 2 प्लस अंडर रूट 2। इसके बाद क्या करना है कि 3 का गुणा 2 से भी करना है और 3 का गुणा अंडर रूट 2 से भी करना है। इसी प्रकार से इस अंडर रूट 3 का गुणा 2 से भी करना है और अंडर रूट 3 का गुणा यहाँ पर अंडर रूट 2 से भी करना है। तो यहाँ पर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6। इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था, 3 का गुणा अंडर रूट 2 से तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि यहाँ पर अंडर रूट 3 होता और यहाँ पर अंडर रूट 2 है तो यहाँ पर 3 का गुणा 2 से होता तो अंडर रूट 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक संख्या करणी से बाहर है और एक संख्या करणी के अंदर है, तो यहाँ पर सिर्फ इसके साथ हम संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा इसका गुणा। इसके बाद प्लस करणी 3 का गुणा यहाँ पर 2 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर करणी के अंदर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि करणी के अंदर की संख्या सेम होती, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर जोड़ना हो नहीं सकता। यदि यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको जोड़ते कि 3 और 2 यहाँ पर कितने हो जाते, 5 हो जाते और अंडर रूट 2 जहाँ की तरह लिख देते। लेकिन यहाँ पर करणी के अंदर की संख्या अलग अलग है, इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पर कि 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में संख्या दी गई है
तीन माइनस अंडर रूट तीन। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो कि दोनों ब्रैकेट की संख्या समान हो लेकिन चिन्ह क्या हो अलग अलग हो, जैसे एक ब्रैकेट में प्लस हो और दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो, या इस प्रकार से भी संख्या हो सकती है कि पहले ब्रैकेट में इस प्रकार से माइनस हो और दूसरे ब्रैकेट में प्लस हो, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक सरसमीका का प्रयोग करना होता है। तो इस सरसमीका को आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से आपको इस सरसमीका को याद रखना है। तो यहाँ पर जो सरसमीका होती है वो इस प्रकार से होती है कि यदि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b का मतलब क्या है कि a और b कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा और b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट तीन। इस सरसमीका इस प्रकार से भी हो सकती है a माइनस बी पहले आ जाए a प्लस बी बाद में आ जाए, इस प्रकार से भी हो सकती है कि a प्लस बी पहले ब्रैकेट में आ जाए और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में आ जाए, सॉरी यहाँ पर a माइनस बी पहले ब्रैकेट में आ जाए और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में आ जाए। जैसे यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट में माइनस है और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस है, तो इस प्रकार से यही सरसमीका होती है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि कोष्टक आगे पीछे हो जाते हैं। तो आइए सरसमीका के प्रयोग से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए सरसमीका a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर पहले ब्रैकेट में प्लस है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर क्या होती है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा तीन और b का मान अंडर रूट तीन। तो इस सरसमीका के प्रयोग से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम a और b के मान रखेंगे, तो a का मान यहाँ पर कितना है तीन है, तो a की जगह a का मान यहाँ पर हम तीन रखेंगे प्लस b की जगह b का मान अंडर रूट थ्री। इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट में भी हम a की जगह a का मान कितना रखेंगे तीन, माइनस चिन्ह जहाँ के था b की जगह b का मान अंडर रूट तीन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है, या फिर आप इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर जाके तक लिख सकते हैं। इसके बाद सिर्फ आपको इस पक्ष को यहाँ पर सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर एक ही जगह ए का मान कितना है तीन है, तो यहाँ पर हम तीन लिखेंगे और जो वर्ग लगा है वर्ग जाके तक लगाएंगे, माइनस चिन्ह जाके तक, बी की जगह बी का मान यहाँ पर कितना है अंडर रूट तीन, तो यहाँ पर हम अंडर रूट तीन लिखेंगे और वर्ग लगा है वर्ग जाके तक। इसके बाद हम इस पक्ष को जो हमारा आर एच एस है या इसी को हम कह सकते हैं दाया पक्ष, इस दाया पक्ष को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो तीन का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर जो तीन का स्क्वायर होगा इस प्रकार से कोई भी संख्या होती है यदि उसका हमें स्क्वायर निकालना होता है तो हम उस संख्या को दो बार लिखते हैं, जिस भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है उस संख्या को कम, यहाँ पर दो की घात लगी है तो यहाँ पर संख्या को हम दो बार लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अंडर रूट तीन का स्क्वायर, अंडर रूट तीन का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम अंडर रूट तीन को दो बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे। तो जब भी समान कर्णियों का दो बार गुणा होता है तो संख्या कर्णी से बाहर आ जाती है, तो तीन अंडर रूट तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नौ में से तीन को यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे छः बचेंगे, तो ये आपका छः आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था उस तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिख लिया है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही ब्रैकेट है लेकिन इस ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर जब भी होल स्क्वायर लगा होता है तो इस घात का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने तीन का स्क्वायर निकाला तो तीन को हमने कितनी बार लिखा दो बार लिखा, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो हमारा कोष्टक है इस कोष्टक को यहाँ पर दो बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो की घात है, यदि तीन की घात होती तो हम इसी ब्रैकेट को तीन बार लिखते, यदि चार की घात होती तो इसी ब्रैकेट को हम चार बार लिखते। जैसे यहाँ पर दो की घात है तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को दो बार लिखेंगे अंडर रूट पाँच प्लस अंडर रूट दो, इसी प्रकार से हमें इसी को एक बार और लिखेंगे अंडर रूट पाँच प्लस अंडर रूट टू। अब इसके बाद क्या करना है, जो जैसे
जिस प्रकार से हम यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी प्रकार से यहाँ पर हमें दूसरे क्वेश्चन को हल कर तीसरे क्वेश्चन को हल करना है। क्योंकि यहाँ पर यदि एक ब्रैकेट में प्लस चिन्ह है यदि दूसरे ब्रैकेट में माइनस चिन्ह होता तो यहाँ पर हम समीकरण के प्रयोग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर तो पहले ब्रैकेट में भी प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस है। तो यहाँ पर हम जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी प्रकार से यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले ब्रैकेट की पहली संख्या को दूसरे ब्रैकेट के साथ लिख देना है। जैसे यहाँ पर पहली संख्या पहले ब्रैकेट की क्या है, √5। तो इस संख्या को यहाँ पर हम दूसरे ब्रैकेट के साथ लिखेंगे √5 + √2। इसी प्रकार से हम चिन्ह सहित पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या, पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है √2। तो यहाँ पर हम प्लस चिन्ह और √2 को दूसरे ब्रैकेट के साथ यहाँ पर लिखेंगे √5 + √2। तो यहाँ पर इसको हम एक बार और समझते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पर पहले ब्रैकेट की पहली संख्या को दूसरे ब्रैकेट के साथ लिखा, इसी प्रकार से हमने पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या को चिन्ह सहित यहाँ पर चिन्ह सहित +√2 इसको हमने क्या किया दूसरे ब्रैकेट के साथ लिखा। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। √5 का गुणा √5 से होगा। तो यहाँ पर जब भी समान कर्णियों का गुणा होता है, जैसे √5 का गुणा √5 से यहाँ पर होगा, तो जब भी समान कर्णियों का दो बार गुणा होता है तो जो संख्या होती है वो कर्णी से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर इसका गुणा कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था √5 का गुणा √2 से होगा। तो यहाँ पर कर्णी के अंदर जो भी संख्या होती है उन संख्याओं के यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 5 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और कर्णी को आपको जाके था लगा देना है, तो इसका गुणा कितना होगा, √10। इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था, इसी प्रकार से हम √2 का गुणा √5 से करेंगे और √2 का गुणा √2 से करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 2 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 आ जाएंगे। √10 प्लस चिन्ह जाके था √2 का गुणा √2 से होगा। तो यहाँ पर जब भी समान कर्णियों का गुणा दो बार होता है तो जो संख्या होती है वो कर्णी से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद अंक अंक को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कर्णी 10 है और यहाँ पर भी कर्णी 10 है। तो यहाँ पर लिखा है कर्णी 10, लेकिन रियल में हम इसको क्या पढ़ते हैं, एक कर्णी 10। यहाँ पर एक कर्णी 10 ए है और यहाँ पर भी एक कर्णी 10 है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 1 और 1 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और यहाँ पर हम कर्णी 10 को जहाँ कितना लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि कर्णी के अंदर की संख्या समान है तभी यहाँ पर कर्णियों का जोड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि एक कर्णी में 10 हो दूसरी कर्णी में यहाँ पर 5 हो तो इनका जोड़ना घटाना नहीं होगा। तो यहाँ पर एक कर्णी 10 और एक कर्णी 10 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 कर्णी 10। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा चौथा क्वेश्चन था उस चौथे क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिखा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर √5 - √2 और दूसरे ब्रैकेट में संख्या दी गई √5 + √2। तो जब भी इस प्रकार की संख्याएं आ जाए कि पहले ब्रैकेट में प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह आ जाए और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर भी प्लस माइनस हो सकता है, जैसे यहाँ पर पहले ब्रैकेट में माइनस चिन्ह लगा है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस चिन्ह लगा है और दोनों ब्रैकेट की संख्या कैसी हो, समान हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक सरसमीका का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर जो सरसमीका होती है इस प्रकार से होती है कि यदि a - b a + b हो तो सरसमीका क्या होती है, a² - b²। यहाँ पर ए और बी का मतलब क्या है कि ए और बी कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, √5 और माइनस चिन्ह की तुलना माइनस चिन्ह से हो जाएगी, तो बी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सरसमीका के प्रयोग से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस सरसमीका को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरसमीका, जो हमारी सरसमीका होती है a - b a + b बराबर क्या होता है, a² - b²
तो यहाँ पर हम सर्वसमिका के प्रयोग से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह ए का मान रखेंगे कितना, अंडर रूट 5 माइनस शून्य जहाँ कहता। बी की जगह बी का मान कितना रखेंगे, अंडर रूट 2। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ए की जगह ए का मान अंडर रूट 5 प्लस चिन्ह, बी की जगह बी का मान अंडर रूट 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है। या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि आप इस पक्ष में आप जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसके बाद आपको जो आपका दाया पक्ष है इस दाया पक्ष को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ए की जगह ए का मान कितना रखेंगे, अंडर रूट 5, और जो स्क्वायर लगा है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सरसमीका में वर्ग लगा है इस वर्ग को हम जागेता लगाएंगे, माइनस चिन्ह भी जागेता, बी की जगह बी का मान यहाँ पर अंडर रूट 2, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 और यहाँ पर वर्ग लगा है वर्ग जागेता। इसके बाद हम इस दाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाएं पक्ष में जो हमारा क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम दाएं पक्ष को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो जब भी ध्यान रखना है आपको कि जब भी समान करणी का स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पर अंडर रूट 5 का वर्ग हो, तो यहाँ पर वर्ग का मतलब क्या है कि संख्या को यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे। तो अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, तो जब भी समान करणियों का दो बार गुणा होता है तो संख्या क्या होती है, करणी से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। इसी प्रकार से अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि अंडर रूट 2 को दो बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे। तो जब भी समान करणियों का गुणा होता है तो संख्या करणी से बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस चिन्ह जाके तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्नावली 1.5 के दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।